सूत जी बोले, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानूनों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां वहां पर निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र एवं 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसके 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन उन धाराओं के तट पर निवास करें, वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। शौनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख, उसमें स्नान करने और उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 मुख और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमय गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध का पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवर्णी नदी का जल बड़ा पवित्र होता है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली होती है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली होती है। पुण्य सलीला सुवर्णा मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले होते हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारायण तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पर आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां स्नान किए हुए पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में ही यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है।
ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और शौनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी की लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से सिर विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल से स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थान में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया हुआ स्नान श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों के अनेक पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति राशि जब मीन राशि में स्थित हो जाती हैं तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे, ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चित ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक का प्रतिरूप प्राप्ति देने वाली होती हैं। इन तटों पर कितने ही स्वर्णदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य बहुत से पुण्य क्षेत्र भी हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे ही फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार की वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा भी पाप महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय कर ले तो पुण्य संकल्प से उसके पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कारिक वाचिक तथा मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है, केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप तजप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देने से पाप से बचते ही तीर्थ में निवास करना चाहिए।